जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद कर चुके सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम जाने वाले हैं मायके और आज हम करेंगे पैकिंग। जो जो सामान हमें चाहिए होगा हम वो उसकी पैकिंग करेंगे। और कल से आपको कुमाऊँ के ब्लॉग थोड़ा कम मिलेंगे और गढ़वाल के एक दो दिन ज़्यादा में देखने को मिलेगा। गुड मॉर्निंग। ठंडा हो रहा आज? ठंडा हो रहा है, तब तो आग सेक रहा हूँ। तो बोलो, स्वागत है आप लोगों के इस ब्लॉग में। प्लीज आप लोग हमारे ब्लॉग देखते रहिएगा। कल राहुल लोग अपने मायके में जाएंगे, मतलब राहुल अपने ससुराल जाएगा, उसकी पत्नी जो है अपने मायके में जाएगी। तो गढ़वाल, कल गढ़वाल का टूर है उनका। अच्छी तरह से जाना, अच्छी तरह से आना और उनके साथ बढ़िया करके बोलना, उनके पांव छूना, किसी के साथ बुरा मत बोलना। यहाँ देखो ना, फिर वहाँ कहाँ देख रहे हो? कहाँ देखता हूँ फिर? कैमरे में देखो ना। देख रहा हूँ फिर? नहीं देख रहे, तेरा आँख नहीं, आँख है बटन। वो उधर देख रहे हो? उधर देख रहे हो, वहाँ मेरा कोई दुश्मन थोड़ी है, फिर वहाँ भी देखेंगे। कहीं भी देख सकता हूँ। क्या करना है? अच्छी तरह से बोलना उनके साथ। और साथ ही आज का मौसम बहुत ही ज्यादा प्यारा हो गया है। अरे डोका लाओ, और एक आदमी आ रहा है वो। किसको बुला रहे हो? तेरे को। तू ये रस्सी लेके आ यार, वहाँ खाद लेने के लिए। तो आज से खेतों में हल जोतना शुरू था और अभी शुरुआत में हल टूट गया। यहाँ पे ताऊ जी सुबह से हल जोतने में लगे हुए थे और अभी जाके हल खुल गया है। ये तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गई है। हमारी बुआजी जी भी घास लेके आ गई है, क्योंकि यहाँ पर ना ये पूरा का पूरा खेत हमारे बुआजी लोगों का है ना, तभी पशुओं को देने के लिए। और आसमान देखिए बहुत ज्यादा नीला और पहाड़ों में मस्त करके बर्फ लगी हुई है। फिर इसमें आलू की खेती करोगे? अरे वाह, तो आलू की खेती करेंगे। बसंत पंचमी का त्योहार था और उसी दिन से और अगले दिन से ही खेतों में हल जोतना स्टार्ट हो जाता है दो बैलों के माध्यम से। तो ये बैलें इतनी ज्यादा दिक्कतें करती है ना भाई, भाई साहब ये तो बहुत ही खतरनाक हो रहा है कसम से। ये देखो उधर भाग गया, अब ये है दोबारा खुल से खुल गया, फिर से खुल गया दोबारा ये। और साथ ही इन्होंने आज तो पूरा परेशान कर दिया था, बुआजी को सपोर्ट करना पड़ रहा है। खेत में आलू लगा रहा हूँ, यो खाद डाल रहा हूँ, आलू भी बैल जोत रहा हूँ, यो बांस लगा रहा हूँ, यो रस्सी है, क्यों बना नहीं है, कैसी है, कुदाल, कुदाल, कुदाल ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा बांस भी लगा रहा हूँ, ऐसा ऐसा। क्या बोओगे इसमें? तो क्या देना नहीं है इसमें, क्या बोओगे? आलू बोऊंगा, आलू। अच्छा हो गया, पूरा खेत जोत दिया? दिया। आलू लगा रहा हूँ, बांस लगा रहा हूँ। अच्छा। मेरा बेटे को, मेरा नंदना को, मेरा मान सिंह को, दुर्गा सिंह को भेज देना, वीडियो भेज देना। थोड़े बहुत ना आग में पूरा कूड़ा हुआ होता ना, तो सभी जलाना पड़ता है। तो मैं भी हल जोतना सीख रहा हूँ। राहुल बैल जोत रहा है, राहुल आलू की खेत बा रहा हूँ, राहुल हल जोत रहा है। तो अभी इनके उसमें जो जो भी लकड़ी के चीजें लगाए गए हैं ना, जिनके अलग अलग नाम होते हैं, ये निकाला जा रहा है। तो बुआजी जो अभी आप निकाल रहे हो इसको क्या बोलते हैं? ये जू हुआ। अच्छा तो इसमें कपड़ा भी लगा रखे इनके गर्दन में कुछ ना हो। तो भाई साहब देखो जुआ हुआ और नशूड ये हुआ जो बाद है ना, और ये पूरा लंबा वाला लकड़ी क्या हुआ, ये लठ्यूड। जू खोल रहा हूँ, बैल घर ले जा रहा हूँ, राहुल मेरा भूली राहुल, यहाँ पर हल जो है कल जो दूंगा। ये वाले देखो लंबी वाखली है, बहुत ही बढ़िया पहाड़ी मकान आपको सामने दिखने को मिल सकता है। हमारे बुआजी जी पूरा खेत जोत के जाने लग चुकी है घर, और दो डोका यहाँ पर सर में लगा के ले जा रही हैं। हमारे गांव में 4-5 लोगों के पास ये ट्रैक्टर है और सभी लोग हल के माध्यम से ही खेत को जोतते हैं। तो अभी देखो सादे के यहाँ पर जितने भी झालर ये सभी चीजें थी अभी तक तो उतारा नहीं है, और हम लोगों को जाना है गढ़वाल कल। केमो गांव के ऊपर पे देखो पूरा का पूरा आग लगा हुआ है, और अभी दिन के 1:30 बज चुके हैं और मम्मी अभी स्कूल से नहीं आई ना, तो पापा मम्मी को देख रहे हैं क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब ही चल रही है ना। तभी दिन में हमेशा इनका ना खाना खाने का आदत है, आज तो खा नहीं रहे क्योंकि आज रात को कुछ स्पेशल होने वाला बना। हम लोग मायके जाने से पहले कुछ स्पेशल ही होने वाला, रात को पूरा इसमें से बीज निकल रहा है, तो ये अगले साल इसके बीज बहुत काम आने वाले हैं। हम लोग मायके जाने वाले हैं, तो मैडम जी नहा के हो गए रेडी और कल के लिए कपड़े धोने में लगी पड़ी है। तो भाई साहब देखो कितने मस्त ये लग रहे हैं,
हमारे भैया जी लोगों का ग्वार कितना मस्त लग रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा प्यारा। इस प्रकार से मकान बनाया जाता है जो कि पूरा का पूरा एकदम पहाड़ी है। और नहाने चलते हैं और थोड़ा बहुत रैगी को भी नहलाते हैं, तो भी नहलाते हैं, इसको गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। आज तो पता नहीं कैसे नहा रहे हैं दोनों के दोनों, कुत्ते को तो रोज नहलाते हैं हफ्ते में 2-3 बार नहा रखा है। अभी जाके इसको ठंडा पड़ रहा है, अच्छा हो रहा है। और सामने अपना गौशाला है जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना है, और अभी की जो एक कंडीशन है हमारे गौशाले की वो बहुत ही खराब है। सामने के जहाँ पर रहते थे दादी लोग, ये घर का पूरा देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दरवाजा है ही नहीं, और जहाँ पर गाय रहती थी वहाँ पर थोड़ा सा दरवाजा है। और छत की जो हालत है ना, ये पुराने घास से बनाया था, ये पूरे खराब हो चुके हैं, सड़ चुके हैं। इसको बताने कुछ दिख गया है और उसके पीछे भागने के लिए कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा बाड़ लगा दिया हमें, फिर भी जाएगा जहां तक मुझे लगता है। एक बहुत बढ़िया लोकेशन पर अपना ये गौशाला है, तो इसको हम फिर से नया बनाने की कोशिश करेंगे। इंगाल के कुछ पार्ट सूख गए थे तो उन पार्ट को हम लोग ले जा रहे हैं घर, क्योंकि उनसे हम लोग थोड़े बहुत आग जलाएंगे ना जंगली सुअरों के माध्यम से। यहाँ पर देखो ताऊ जी लोगों का पूरा गेहूं का खेत खराब हो गया है, और सामने ताऊ जी लोगों का गौशाला बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी कुछ महीनों के बाद ये फिर से यहाँ पर आने वाले हैं। लाल मिट्टी के माध्यम से पोता गया है और सीढ़ियां भी बहुत ही प्यारी लग रही हैं। इनके गौशाला में सुधार है और कुछ आवाजें यहाँ पर से आ रही हैं। ये आवाजें आ रही हैं दो छोटे छोटे मेमनों की, जो कि 2-3 दिन में ही पैदा हुए हैं। तो रैगी के साथ खेल करने में लगे पड़े, देखो तो ऐसा कितना मस्त नजारा है ना दोस्तों। देखो रैगी यहाँ खेल करने में लगे हैं, ऐसा लग रहा है इन छोटे छोटे बच्चों को ना कि रैगी उनकी मम्मी होगी, और रैगी के साथ खेलने के लिए कैसे कर रहे हैं ये। मैं इनको प्यार कर रहा हूँ ना, तो रैगी को चिड़ मची रही है, देखो सूंघने में लगा पड़ा कि क्या है, कौन है, कहाँ से है। तो हम लोग पहाड़ी भाषा पठूर बोलते हैं अपने भाषा में, तो बहुत प्यारे हैं यहीं पर थे ये, लेकिन इनको खाली खुला छोड़ रखा है यहाँ पर, छोटे बच्चे हैं, तो अगर बांझ जहाँ चील ऊपर से उड़ गए आ गए तो इनको खतरा है भाई। ठीक, वैसे तो धूप सेकने के लिए इनको रखा है बाहर पे, कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं होती ना, तो भाई ये बकरी वाले सोलर लाइट पर ही निर्भर होते हैं। तो मीना ने पकड़ लिया, रैगी को चिड़ मच रही है, प्यार कर रहा है करके। रैगी हमेशा ऐसे करता, और छोटे छोटे बच्चे कितने मस्त लग रहे ना। मीना को तो बहुत पसंद आ गए दोनों के दोनों। चले जी चलते हैं घर, और थोड़ा बहुत रिंगाल के सूखे वाली चीज भी ला लिया है। लहसुन की खेती में भी थोड़ी बहुत कुदाल लगानी पड़ती है, वरना खराब हो जाते हैं। तो भाभी यहाँ पर कुदाल लगाने में लगी पड़ी है। तो अब हम लोग जा रहे हैं गढ़वाल माई के, ये देखो ये है मेरा झोला कुछ इस प्रकार से। अभी हम लोग पूछ रहे हैं अपने जो मेरी पहली मम्मी है ना, हाँ। उनको ना, हाँ, तो हमेशा शुभ कार्य होने के लिए तुम लोग गढ़वाल जा रहे हो, तो इसीलिए हम उनको शुभ कार्य होने से पहले उनको पूछते हैं, तुम लोग आज अच्छी तरह से अपनी मम्मी का पूजा पाठ करोगे और फिर उसके बाद वहाँ जाओगे, फिर अच्छा होगा, उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है ना। अब तो मैं भी जाता हूँ घर को जाता हूँ, वहाँ गोट में गाय का गोट में गोबर निकाल के पतीला गालना है, अरे गाय बांधना है, धूल डालना है, बांध बांधना है, रात का खाना बनाना है, खाना बनाना है, पानी भरना है, तेरा ताऊ जी वहाँ बैल का वहाँ पार जा रहे हैं गाय जो हाल जोड़ने के लिए, बैल लेने के लिए, बैल लेने के लिए आप हाल जोड़ने का टाइम आ गया। कोई नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, पहाड़ की महिलाएं मेहनत भी करती हैं। हिंदी बोलना तो नसीब नहीं आता, फिर भी करता हूँ, गड़बड़ गड़बड़ कोशिश तो कर रहे हो, कोशिश कोशिश कर रहा, कोई कुछ नहीं कहता ना, पहाड़ की महिलाएं साफ दिल के होते, सुतरे होते हैं बस। ठीक है फिर, आप भी काम करो, ठीक है, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, लोट कर वहाँ जाके, लोट आना, हाँ वहाँ अच्छा काम कर दे, लोट आना, और वीडियो बना के आऊंगा, वीडियो बना लाना अच्छा तरफ से, ठीक हो गया, हाँ ठीक है, ओके बाय 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 बाय। दो खतरनाक दादी यहाँ पर बैठे हैं, मतलब नामिक वाले सब एक हो जाएंगे, दोनों एक होंगे ना तो सबकी वाट लगा सकते हैं। अम्मा आज खीर बना रहे हैं, तेरी मम्मी खीर नहीं खाती थी, क्यों खीर नहीं बनाना है आज, उल्टी होता है, क्या होता है, पानी में का सब्जी बनाओ, चावल बनाओ, अंडे का हाँ करो, तेल गरम मल गरम डिस्को लगी रे, दा चली पांगलो डिस्को लगी, ताली बजाओ। क्या अम्मा कम्मू भाभी के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या कहना चाहता हूँ, वो अच्छे है, सीधा साधे है,
जो जैसा काम करो कहेगा वैसे करेगा, भूखा भी रह जाएगा तो वो भी सही मानता है। अभी हम लोग पालक की सब्जी बना रहे हैं, आज के दिन भी मम्मी को पूजा जा रहा है और आज अपनी पहली मम्मी जी को पूजा जा रहा है क्योंकि हम लोग एक शुभ काम करने के लिए जा रहे हैं। तो हमेशा हम लोग उन्हें हर साल हमेशा अपने दिल से पूछते हैं। मायका जाना मतलब क्या हुआ जैसे ना? मायका जाना ऐसा होता है, शादी करके यहाँ तो उन्हें शादी किया है, फेरा लगाया है, मांग भरा है उसका, उसके गले में काला माला डाला, मंगलसूत्र डाला और तेरा वो जेवर पहनाया, उसको फिर फेरा लगाया, ब्राह्मण ला के फेरा लगाया, वो होता है शादी। हाँ। शादी हाँ। वो तब से हुआ तेरा, जिस दिन तूने मंगलसूत्र पहराया उसके गले पर वो फेरा लिया, मांग मैं सिंदूर भरा, माँ बाप है, भाई बहन है, जाना पड़ता है, सहेलिया है, दोस्त है, कोई चाचा चाची है, उसके वहाँ जन्मभूमि है, उसने जाना ही पड़ता है। मैं के कैसे भी गुस्सा हो कैसे भी नाराज हो एक दिन माँ बाप बुला ही लेता है उनको। पहाड़ी भाषा में दुनगोन कहते हैं दोस्तों, वो जा रहे हैं हम कल। और दोनों दादी जी वैसे तो हमारे कॉमेडियन है, खतरनाक है, लेकिन उनको इतना सारा ज्ञान पता है ना मतलब कि पहाड़ी रीति रिवाज क्या होता है, तो उन्होंने बता दिया कि मायके जाना जरूरी है। माँ बाप सबसे बड़े है ना मम्मी, माँ बाप सबसे बड़े अम्मा ना। तो कल पहले माँ बाप के नाम आता है, फिर गुरु देवता के नाम, तब बाद माँ आता है। जी जी, मायके से क्या ला दूंगा? बीड़ी। बीड़ी दोनों के लिए बीड़ी। मिठाई नहीं चाहिए? क्या के? मैं कहूंगा बीड़ी, मैं भी दे रहा हूँ। ये देखो तो अपना अकेले लेने की सोच रहे बीड़ी। दोस्त ऐसा गुंडा दोस्त है ना भी मेरा, दोस्त भी पाला मैंने तो गुंडा, ऐसा गुंडा दोस्त पाल दिया आपने। क्यों? ऐसा पाला मैंने, बीड़ी लाना है मेरे लिए। अम्मा के लिए बीड़ी, तो दोनों के लिए बीड़ी लाऊंगा दोस्तों मैं। मेरे लिए लिपस्टिक, काजल, सिंदूर, नंग पॉलिश और लाना है ऊंचे हिल वाला सैंडल, ऊंचे हिल वाला हैट। फिर कौन सा लगाना कहूंगा? ऊंचे ऊंचा सिंडल पर ली बनारसी साड़ी, तो कणी में दिल घूम लो अब चलू लो गाड़ी, एच एम टी घर पर लो तेरो हाथ माँ, मेरे सरुली दिली हाथ में पैदा हुआ तू, अब मैंने तुझे जवान बनाया, मुझे बीड़ी ला देना, मैंने तुझे इसी हाथ बाएं हाथ में पैदा हुआ, फिर अभी पाल ताल के जवानी हो गया, मेरे लिए ला देना बीड़ी। ओ भाई साहब, अच्छा अम्मा आपके लिए क्या लाना है आप बताओ, एक गाना हो जाएगा। अरे मेरे लिए तो नाती, आप लोग खुशी रहो, आप लोग वहाँ के अच्छे तरह से घर के माहौल है, अच्छा तरह से आ जाओ घर में पहुँच जाओ, वो ही गनीमत। अरे बताओ दोनों अम्मा के लिए एक गाना, ठीक है? तलगड़ा मलगड़ा घ्वागा का काड़ा, दोनों तो चले जी यहाँ पर अब काट लेते हैं पालक, रात को पूजा पाठ भी करना है। और ताऊजी ने डाले हैं दो नए बैग, ये क्यों भौंक रहा है? क्या हो रहा है? रहेगी ना इन बैलों को, इनको रहेगी नो। ताऊजी सुबह ही गए थे और भाई अभी शाम को आ गए हैं और पसीने पसीने से इतनी हालत डाउन होगी इनकी, और रात्रि से लेके आ गए दो बैल क्योंकि अब हल जोतने का समय भी आ रहा है ना। और जी हमारे ना अभी बहुत बुजुर्ग हैं और अभी देखो रात्रि साइड से दो बैल लेके आ गए हैं, और लगा लो अभी भी हम लोग अपने पहाड़ों में ट्रैक्टर से नहीं बल्कि अपने बैलों के माध्यम से हल जोतते हैं। तो ये देखो दो बैल आ चुके हैं आपके, ये देखो अब ये हल जोतेंगे ताऊजी लोगों का। शाम हो गई है, पूरी धूप जा चुकी है। क्या पूछ रहे हो इसको? इसको पूछ रहे हैं हम मायके जाना अच्छा लग रहा है, खुशी दिल हो रहा है या बुरा लग रहा है? कह रहा हूँ उल्टी होगी ना, ये ऐसा दुख हो रहा है, इसके लिए तू दवा लेके बहू को खिलाना। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मायके जाते रहे, गाड़ी के प्रॉब्लम से ना, गाड़ी के प्रॉब्लम से ये बिचारी दुखी हो रहा है, तो इसके लिए दवा लेके दवा देना, ठीक है? और आप क्या कहना चाहते हो? उसको गाड़ी लग रहा था, ये यहाँ अपना आप बता, ये देखो वाह हंस रहे हैं यहाँ पर दोनों सब्सक्राइबर हंस रहे हैं।
और यहाँ दोनों हमारे खतरनाक अम्मा। ऐसा बोलना वहाँ जाके अपना ससुर को क्या कहता है सासू माँ को ससुर जी को ऐसा बोलना मैं ही आया हूँ बोल मीनू को गाड़ी लगता है उसका ऐसा प्रॉब्लम बन रहा है गाड़ी लगता है तो बच्चा होता है गाड़ी लगी। तो शाम के समय में भी चाचा जी की मेहनत देख सकते हैं, अभी गिट्टी तोड़ने में लगे पड़े हैं। शाम हो गई दोस्तों हमारे गांव नामिक ग्लेशियर में, और देखिए पूरे गांव में धूप जा चुकी है और कल सुबह एक नई शुरुआत होगी एक प्यारी सी धूप के साथ। अभी रात हो गई है और पापा जी ही आज अभी यहां पर चूरन बांट रहे हैं। पहाड़ों में देवभूमि उत्तराखंड में हम लोग देवता को बहुत ज्यादा मानते हैं ना, तभी जाके हम लोग आज अपने मम्मी जी को भी पूज रहे हैं, बूबू जी को भी पूज रहे हैं और पापा जी ही प्रसाद बनाते हैं। तो आपको मिलते हैं कल एक मायके वाले ब्लॉग में, ठीक है? कल गढ़वाल वाला ब्लॉग आएगा, तब तक के लिए आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट तो कर दिया होगा, ब्लॉग देखते देखते वो तो हो ही जाता है, ठीक? आपको कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय। और सर जी को देखो टन सो रखा है, बाय बाय। ये तो मायके जाने के लिए खुश हो गया, मायके जाने खुश हो गया ना, बोले यार क्यों।